नमस्कार। आज हम हिंदी का पार्ट एक विनय के पद, जिसको तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता है। इसमें इसका केंद्रीय भाव क्या है? प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपनी एक निष्ठा का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय न हो, उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। प्रहलाद ने पिता, विभीषण ने भाई, भरत ने माँ, बलि ने गुरु और ब्रज की गोपियों ने पति संबंध को त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। जब जागे तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया मोह रूपी रात्रि समाप्त तो हो गई है। अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है, उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। इसके बाद हम कविता पढ़ते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम सीता प्रिय न हो, ताष्टी तज्यो कोटि बैरी समान। वो ताष्टी तज्यो कोटि बैरी समान, वो हमारा बैरी और शत्रु के समान है। यद्यपि परम स्नेही, वो हमारा स्नेही क्यों न हो, हमारा सगा संबंधी ही क्यों न हो। तज्यो पिता प्रहलाद, जैसे भगवान के लिए प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भाई का और भरत ने अपनी माता का। बलिगुरु तज्जो कंत ब्रज बनितनय, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया था और ब्रज की गोपियों ने अपने पति बनितनय यानी पति का। भय मुद मंगलकारी, इस कारण वो सभी मंगलकारी हुए, वो श्री कृष्ण भगवान के स्नेही बने। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसेव्य जहां लो। और जिसने श्री रामचंद्र भगवान से नाता जोड़ दिया, सुहृदय, वो जिसने उसको हृदय में बसा लिया, वो उसके स्नेही बन गए। अंजन कहां आखी जही, फूटे बहुत कहां कहां लो, कहो कहां लो। अंजन, अंजन यानी काजल, वो काजल किस काम का, जिसको लगाने से हमारी आंखें खराब हो जाती है, फूट जाती है और हमारी लौ चली जाती है, हमारी ज्योति चली जाती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्रांते प्यारो, जासो होए स्नेहे सम पद, ऐसो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस परम हितकारी जो अपने हित के बारे में सोचते है, जो हमें प्राणों से प्यारे है, उसको जासो होए स्नेह रामोपद, उस श्री रामचंद्र भगवान को हमारे मन में बसाओ, ऐसे मतो हमारा, हमारा मन उसके चरण कमलों में बसाओ, ऐसे श्री रामचंद्र भगवान का ध्यान करो और परम पद को प्राप्त करो। दूसरा पद, अब लव नशानी अब न नशे हो, अब लव नशानी अब न नशे हो, अब तक की आयु मैंने नष्ट कर दी, नशानी यानी नष्ट कर दी, मैंने अब तक की आयु नष्ट कर दी, अब न नशे हो, मैं अब उसे नष्ट नहीं होने दूंगा नहीं होने दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा के बिना मैंने बहुत सारी रात्रि को व्यतीत कर दिया। जागे पुनि डसे हो, अब मैं जाग गया हूँ, डसे हो यानी अब उसे मैं समाप्त नहीं होने दूंगा। पायो नाम चारो चिंतामणि, मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त कर ली है। उर करते न खसे हो, उर याने हृदय, कर याने हाथ, अब उसको अपने हृदय में मैंने बसा लिया है, अब उसको मेरे हाथ से फिसलने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कस्यो, मैंने श्याम रूपी सुंदर कसौटी पा ली है, उसको अपने चित से, अपने हृदय से अब उसको जाने नहीं दूंगा, अपने हृदय में बसाकर रखूंगा। कसे हो याने अपने हृदय में कस के रखूंगा, समा के रखूंगा। पर बस जानी हसे हो इन इंद्रिन, निज बस है न हसे हो,
अब मैंने जान लिया है जिन इंद्रियों ने मुझे बहुत हंसाया, मेरी बहुत हंसी उड़ाई और मुझे बहुत निर्लज किया, यानी कि हर जगह उनने मुझे अपने बस में किया। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। अब मैंने उनको बस में कर लिया है, मैंने इन इंद्रियों को बस में कर लिया है। पर बस जानी हसे इन इंद्रिन नीच बस है न हसे हो। अब इन इंद्रियों ने मेरी बहुत हंसी उड़ाई, मेरी बहुत मुझे बहुत वस में किया, मगर अब इंद्रिन नीच बस है न हसे हो। अब इन इंद्रियों को मैं नहीं हंसने दूंगा, इनको मैं सबको वस में करूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। अब अपने मन में मैं श्री रामचंद्र भगवान के चरण कमलों को ही बसने दूंगा। अब ये सब इंद्रियों को अपने बस में करके श्री रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में अपना मन बसाने दूंगा। अब और कोई को इस मन में नहीं बसने दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।